हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनु छाबड़ा। आज मैं करने वाली हूं ये हेलो कट क्रीज क्रैनबेरी आई मेकअप लुक। आज के वीडियो में मैं सिर्फ आपको आई मेकअप ही दिखाने वाली हूं। सो गाइस, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। पर उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो गाइस, सबसे पहले मैं अपने आईज़ को प्राइम करूँगी और प्राइमर मैं यूज़ कर रही हूँ मैक का पेंट पॉट इन द शेड सॉफ्ट ओकर, और इसे मैं सेट कर लूँगी लूज पाउडर से। सो गाइस, आई हैव डन माई ब्राउज यूजिंग स्विस ब्यूटी ब्राउ पैलेट, और मैंने अपने अंडर आई एरिया को भी कवर कर लिया है यूजिंग मेकअप रेवोल्यूशन कंसीलर इन द शेड C10। अपने आई शेडो के लिए मैं आज यूज़ कर रही हूँ फोकाल्योर का एंडलेस पॉसिबिलिटी आई शेडो पैलेट। मैं आज हेलो आई मेकअप क्रिएट करने वाली हूँ। मुझे लगता है कि मेरी आईज पर हेलो आई मेकअप काफ़ी अच्छा लगता है, बट पता नहीं क्यों मैंने अभी तक अपने चैनल पर इसे क्रिएट नहीं किया है। सो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं वही क्रिएट करती हूँ। सो गाइस, सबसे पहले अपने ट्रांजिशन कलर के लिए मैं ये लाइट पिंक कलर ले रही हूँ, और मैंने इसे एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश पर लिया है। इस कलर को मैं अपनी क्रीज से ऊपर ब्लेंड करूंगी। और मैंने ये फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश का यूज इसलिए किया है ताकि ये कलर जो है बिल्कुल सॉफ्टली ब्लेंड हो। यू कैन सी कि ये आई शेडोज कितने ज्यादा पिगमेंटेड हैं। मैंने सिर्फ एक ही बार कलर लिया है ब्रश में। इस कलर की इंटेंसिटी को मैं थोड़ा बढ़ाऊंगी, और मैं आज कोई भी शार्प एज के लिए टेप यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने आई मेकअप के कॉर्नर्स को ब्लेंडेड चाहती हूँ। इफ यू वॉन्ट आप टेप भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं ये मैट क्रैनबेरी कलर ले रही हूँ, और इसे मैंने एक थोड़े स्टिफ ब्लेंडिंग ब्रश पर लिया है। इस कलर को मैं अपनी क्रीज में ब्लेंड करूंगी। और मैंने स्टिफ ब्लेंडिंग ब्रश का यूज किया है इसलिए ये कलर जो है काफी प्रिसाइजली सिर्फ क्रीज में ही ब्लेंड होगा। और इस कलर से मैं अपने आईज के आउटर कॉर्नर्स को भी ब्लेंड करूंगी। मेरे ब्रश पर ज्यादा कलर नहीं है, मैं इस कलर को इनर कॉर्नर्स की तरफ भी थोड़ा सा ड्रैग कर रही हूं। मैं डार्क से लाइट कलर का ट्रांजिशन क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूं, इसीलिए मैंने यहाँ पर लाइटर कलर ब्लेंड किया है और अपनी क्रीज में डार्क कलर ब्लेंड कर रही हूँ, और फिर इन दोनों कलर्स के एजेस को ब्लेंड कर रही हूँ। अब क्योंकि मैं हेलो आई लुक कर रही हूँ इसलिए अपने आईज के आउटर कॉर्नर्स और इनर कॉर्नर्स को इंटेंसिफाई करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन का जेल आईलाइनर, और इसे मैं एक पेंसिल ब्रश पर लूंगी। आप चाहें तो फ्लैट ब्रश का भी यूज कर सकते हैं। और अब मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूंगी। अब इस लाइनर के एजेस को ब्लेंड करने के लिए मैं ब्लैक आई शेडो ले रही हूँ, और मैंने सेम पेंसिल ब्रश का ही यूज किया है, और इसके एजेस को मैं सॉफ्टली ब्लेंड करूंगी।
अगर आपको लगे कि इसके एजेस को ब्लेंड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो आप सेकंड जो क्रीज कलर मैंने लिया था उसे एक दूसरे पेंसिल ब्रश पर ले सकते हैं और फिर इसके एजेस को ब्लेंड कर सकते हैं। इसलिए इससे ये काफी इजीली ब्लेंड हो जाएगा और कोई हार्श लाइंस भी नहीं दिखेंगी। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन आप धीरे धीरे इसे ब्लेंड करें। मैं एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ और एक बार इन सारे कलर्स को आपस में ब्लेंड कर लूंगी ताकि कोई भी हार्श लाइंस नहीं रहें। नेक्स्ट हेलो आई इफेक्ट के लिए मैं अपनी क्रीज को सेंटर में से कट करूंगी। सामने देखूंगी और अपनी क्रीज में इस तरह से एक मार्किंग करूंगी। लाइक दिस। और अब मैं यहीं से अपने कंसीलर को ड्रैग कर दूंगी। और अब मैं अपने फिंगर से इस कंसीलर के एजेस को ब्लेंड कर लूंगी। अब मैं पैलेट में से ये शिमरी क्रैनबेरी कलर ले रही हूँ। इस कलर को मैं ब्लैक आई शेडो के एजेस के साथ लगाऊंगी। बहुत ही हार्ड रहा इस कलर को ब्लेंड करना। इस कलर की पिगमेंटेशन उतनी अच्छी नहीं है जितना कि बाकी कलर्स की है इस पैलेट में से। सो बट आई थिंक मैंने कुछ ना कुछ वर्क कर लिया है इसके साथ। अब मुझे अपने लिड के सेंटर पोर्शन में एक पॉप ऑफ गोल्ड चाहिए। तो लेट्स सी कि इस पैलेट में जो गोल्ड कलर है उसके पिगमेंटेशन, आई थिंक ये फिंगर के साथ अच्छे से लगेगा। लेट्स ट्राई दिस। दिस कलर इज फार बेटर देन द पिंक वन, क्रैनबेरी वन। दोनों को भी मैं आपस में ब्लेंड कर दूंगी। सेम ऑन द अदर आई। दिस कलर इज सो गॉर्जियस। अब मैं अपनी लोअर लैश लाइन को भी स्मोक आउट करूंगी। सबसे पहले मैं जेल लाइनर वाटर लाइन पर लगाऊंगी। और इस लाइनर को मैंने अपनी लोअर लैश लाइन पर थोड़ा सा नीचे भी अप्लाई किया है। अब मैं एक पेंसिल ब्रश पर मैट क्रैनबेरी कलर ले रही हूँ जो मैंने क्रीज में ब्लेंड किया था, और इससे इस लाइनर को ब्लेंड करूंगी। इफ यू वांट आप लोअर लैश लाइन पर भी सेम काम कर सकते हैं जो मैंने अपर लिड पर किया था। मींस कि आप अपने आईज के आउटर और इनर कॉर्नर्स में जेल लाइनर लगा सकते हैं और सेंटर में आप शिमरी कलर अप्लाई कर सकते हैं। बट आज मैं अपनी लोअर लैश लाइन को सिंपल रखने वाली हूँ।
और अब लास्ट में मैं अपना ट्रांजिशन कलर एक छोटे से ब्लेंडिंग ब्रश पर लूँगी और इस तरह से इन दोनों कलर्स को ब्लेंड कर दूँगी। बेसिकली मैं सेम स्टेप्स रिपीट कर रही हूँ जो मैंने अपर लिड पर किए थे। अपने इनर कॉर्नर्स और ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए मैं अपना मॉर्फी का 35F पैलेट यूज़ कर रही हूँ और इसमें से ये सेकेंड शिमरी कलर ले रही हूँ। अब मैं अपने लैशेस को कर्ल करूंगी और मेबलिन हाइपर कर्ल मस्कारा लगाऊंगी। इस लैश बैंड को हाइड करने के लिए मैं इसके ऊपर लिक्विड लाइनर अप्लाई करूंगी। सो गाइस, दिस इज द फाइनल लुक। आई होप ये लुक आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गाइस, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल बटन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आप आने वाले वीडियोज को मिस नहीं कर पाए। एंड डू लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन बिलो कि आप किस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं, मैं ज़रूर बनाऊँगी। सो गाइज, मैं चलती हूँ अब और आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।